हाँ जी All right, everyone. Let's start again. All right. तो हम लोग अभी अब मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ क्लास को, तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया तो अभी जाके देख लें प्लीज वो. सी लाइक जैसे मैंने कल कहा था आपको कि आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है मेनली ज्योग्राफी में जाकर, ठीक है. द फर्स्ट वी हैव इज जी एल ओ, ग्रेटर लेसर आउटर. आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है. और हमने जैसे आउटर हमने शुरू किया था पढ़ना, तो आउटर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हमने वो कवर करने हैं. तो आउटर में वी हैव डिस्कस्ड ऊना, हमने पहले इसकी जो सारी की सारी चीजें थी वो पढ़ ली थी. अब आपको ध्यान होगा कल ऊना में जाके हमने जो चीजें पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था एक जगह यहाँ पे ध्यान में रखना आपने, मुबारकपुर. इसके बाद यहाँ से जाके एक जो रिवर आएगी वो आपकी सुवान होगी, ठीक है ना. इसके बाद जो खड है, जो सुवान नाला है, वो आपका उधर तलवारा वाली साइड से जाके आगे बिलासपुर में जाके मिल जाता है, ठीक है. तो ये दो तीन चीज हमने इसमें जाके डिस्कस की थी. तो अब हमारा जो इसके अगला जो डिस्ट्रिक्ट हो गया दैट इज बिलासपुर. अब बिलासपुर है, ठीक है ना. तो ये आपने देखो साथ साथ आपको मैप भी लर्न हो जाएगा, और दूसरा इसके साथ है कि ठीक है, तो साथ आपको मैप भी लर्न हो जाएगा, और मैप के साथ साथ आपको जाकर जो है जो लोकेशंस हो गए इसकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, हिमाचल की, तो और ज्यादा अच्छे से आपको जो इसमें क्लैरिटी आती जाएंगी, ठीक है ना. तो बिलासपुर शुरू करने से पहले मैं आपको ना इसमें एक एक दो चीजें वैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, ठीक है. आप ये देखें, ये बिलासपुर को मैंने जूम किया, जो बिलासपुर का जो मैप हो गया है इसको जूम कर दिया, ठीक है जी. अब इसके साथ साथ पता है क्या चीज है कि इसमें जाकर आपको एक चीज का ध्यान रखें. देखो जो मैप हो गया ना, आप इसमें ये एरिया देख रहे हैं बिलासपुर का, ये वाला एरिया जो मैंने यहाँ पे जाके मार्क किया हुआ, ये थोड़ा zigzag करके एरिया हो गया, ठीक है ना. ये वो एरिया है, आप देखोगे न्यूज में भी काफी बार रहता है कि यहाँ से ना जो ये जो ड्रग सप्लाई, जो इलीगल ड्रग्स है ना, ये इन एरिया से काफी ज्यादा सप्लाई होता है. ये माजरी वगैरह करके जगह है यहाँ पे जाके, तो ये काफी सारी जो चीजें यहाँ पे जाके होती है, ठीक है. तो खैर चलो, ये मुझे मैप को देख के ध्यान में आ गया था. तो लेट्स डाइव इन टू बिलासपुर नाउ. चलिए, और इसके साथ आप दो तीन चीजें और देख लें इसमें बिलासपुर के साथ में कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके आस पड़ोस में है, ठीक है. तो सबसे पहली बात तो जो है एक ऊना हो गया, ठीक है ना, ऊना हमने डिस्कस कर दिया है. एक हमीरपुर हो गया, ठीक है ना. हमीरपुर इसके आप ये मान के चले कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन इसमें जाके हमीरपुर आ रहा है, तो नॉर्दर्न में इसकी मंडी भी आ रहा है नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ मंडी भी आ रहा है, और इसका जो सदर्न पोर्शन उसमें जाके सोलन आ रहा है, और बाकी वाला जो नीचे हो ये पंजाब वाला एरिया हो गया. क्लियर है चीज? तो इसे मैंने आपको इसमें दो तीन चीजें बता दी. होप आपको इसमें जाके यहां तक जो चीजें है वो क्लियर हो रही होंगी. और ये एक जो एक तो आपने ये वाली चीज ध्यान में रखनी है कि इसके साथ साथ कौन कौन से एरियाज है. एक तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना. तो इसमें खुद आप एमसीक्यूज खुद बनाते जाएं कि कहां कहां पे कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं, तो आपके लिए जो क्लैरिटी है वो सब्जेक्ट की और ज्यादा अच्छी होती जाएगी, ठीक है जी. तो एक ये वाली चीज है. और नाउ अब इसकी जो हम एक जो बिलासपुर है पर्टिकुलर, हम उस पर चले जाएंगे. जो बिलासपुर का जो मैप हो गया है, सी ये हो गया बिलासपुर का जो पर्टिकुलर मैप हो गया है, ठीक है. अब इसका एक ज्योग्राफिकल मैंने जो इसका जो ढांचा है वो बनाया हुआ है, और ऊपर जो मैंने मैप दिखाने की कोशिश की थी उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इसमें जो है ऊना भी मैंने आपको उसमें जाके बता दिया था, ठीक है ना. हमीरपुर है, अब आपको ये चीज भी हो गया. ये जो इसका जो नॉर्थ और वेस्टर्न पोर्शन हो गया है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन हो गया नॉर्थ में भी है, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी जाके जो मंडी आ जाता है, और इसमें एक तरफ मुझे सोलन टच करता है. तो इसको जो टोटल जो जिले हो गए हैं, टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है ना, वो इसकी जो बाउंड्रीज जो फॉर्म कर रही है, इसके जो बॉर्डरिंग एरियाज जो लग रहे हैं, दे आर फोर इन नंबर. ऊना है, हमीरपुर है, मंडी है, और सोलन हो गया. तो ये चार डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्लस एक स्टेट होगी इसके साथ में जाकर. क्लियर?
क्लियर है चीज, तो ये वाली चीज इसमें डन है। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले हम किसी भी चीज को पढ़ने से पहले एक बार इसकी ना पहले जो मैंने इसमें ऑरेंज कलर से चीजें मार्क की हुई है, आप इसकी जो मेन स्टेशन हो गए, हटवाड़ है, घुमारवी है, झंडूटा है, बिलासपुर है, स्वार घाट है, नैना देवी है, ठीक है, ये इसके कुछ मेजर स्टेशन हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आपको ध्यान में रहेगी, जिसके कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेशन हो गए हैं, तो ये चीज हो गई है। और इसके अलावा जाकर जो है अब जो मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है, ये इसकी वाटर बॉडीज हो गई है, ठीक है जी, ये इसकी वाटर बॉडीज है। तो इसमें जाकर आप, ठीक है जी, ठीक है, तो इसमें जाकर आप देखिए कमेंट का भी हम बाद में बात करेंगे, प्लीज कमेंट पे अभी आप सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं डाउट आ रहा है तो जाके पूछे, अदरवाइज इसमें कोई दूसरी चीज ना पूछे आप इसमें, ठीक है ना। तो देखिए अब हम वाटर बॉडीज पे जाके बात करते, देखो सबसे जो बड़ा या जिसका जो मेजर सोर्स हो गया है दैट इज सतलुज। और जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था कि आप ऐसे से रिवर्स का मुझे बताएं कि जो किसी डिस्ट्रिक्ट को जाकर दो बराबर हिस्सों में जाके डिवाइड कर रहा है, तो तकरीबन तकरीबन सतलुज भी ऐसा, अब ऐसा तो नहीं होगा कि बराबर दो हिस्से जाके उसके 50% इधर 50% इधर ऐसे करके काट लिया, अप्रोक्सीमेटली ठीक है ना, 19-20 हर चीज का रहता है। तो ये जो सतलुज भी ऐसी रिवर होगी जो एक्चुअली मैं बिलासपुर को दो अलग अलग हिस्सों में जाकर डिवाइड कर देती है, तकरीबन एक बराबर हिस्सों में जाकर इसको डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। सो द मेन रिवर इन बिलासपुर इज सतलुज, ठीक है जी। तो जो जो सतलुज रिवर हो गई है, अब इसका अगर आपको, हालांकि हम ये बार बार आएंगी चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है ना, मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको बाद में कभी भी परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है जी। तो जो ये सतलुज रिवर जो हो गई है, ये पीछे कहाँ से आ रही है, किन्नौर से आ रही है, ठीक है जी, ये कहाँ से आ रही है, किन्नौर से। किन्नौर का बाकी तो हम जब किन्नौर वाला पढ़ेंगे तो हम इसमें सतलुज का और जाके चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर किन्नौर से आगे ये एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर में, ठीक है ना, रामपुर आपने जगह का नाम सुना होगा, वहां पे जाकर ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जाके एंटर करती है, ठीक है ना। फिर यहां से जाके ये मंडी में आ जाती, जो एक्चुअली में मंडी के साथ ये बॉर्डर फॉर्म करती है, ठीक है ना, मंडी हो गया, जो सोलन हो गया, इस तरफ इनके जो बॉर्डर्स के साथ टच टच करके जाती है ये, फिर अल्टीमेटली जाकर ये जो है बिलासपुर में एंटर करती है, ठीक है ना। एक्चुअली ये वाला सोलन ही हो गया ना, इस तरह से सोलन मैंने छोटा छोटा लिख दिया, ये ऊपर वाला मंडी हो गया, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे करके हुए, तो ये कुछ एरियाज हो गए जिनको जाकर ये टच कर लेता है, और ये ऑलरेडी समझे किन्नौर से आ रहा है और ये सीधे 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 करते हुए जो बिलासपुर है वहां पे जाके इसने एंटर कर दिया है, क्लियर है चीज, ठीक है जी। तो इसने ये वाली चीज होगी डन होगी यहाँ पे, अब इसने बिलासपुर में एंट्री मार ली, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी चीज देख लेते हैं, अभी आप चीज छोड़ दें कि वैसे यहाँ जगह का नाम है, जो ये पर्टिकुलर जगह हो गई है इसका नाम है कसोल। देखो अब कसोल एक तो हो गया कुल्लू वाला कसोल, एक हो गया यहाँ पर जो ये वाला जो कसोल हो गया, ठीक है जी, क्लियर। ये गांव है एक्चुअली में जाकर, सो इट एंटर्स बिलासपुर एट अ विलेज कॉल्ड कसोल, ये आपका हो गया प्रीलिमिनरी के लिए पक्का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको प्रीलिमिनरी के लिए मार्क कर दे, क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बिलासपुर में सतलुज कहाँ पे एंटर करती है, देन दैट इज योर कसोल, ठीक है जी। तो एक ये वाली चीज होगी। अब मैं इसको इसी ही जो जो ये मेरे पास जो मार्कर है मरून मार्कर है, इसी से मार्क करता जाऊंगा, तो ये इस तरह से ट्रेवल करती जाएगी यहाँ से, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से करते हुए, और फिर ये इस तरह से जाकर यहाँ पे गोविंद सागर लेक फॉर्म करती है, आगे भाखड़ा डैम बन गया, ठीक है ना। भाखड़ा डैम के पास जो है वहां जाकर ये पीछे इसने अपनी रिजर्वॉयर फॉर्म कर दिया, और जो रिजर्वॉयर का जो नाम है दैट इज गोविंद सागर लेक। जो गोविंद सागर लेक होगी ये आर्टिफिशियल लेक होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी के आगे एक ढांचा खड़ा कर दिया गया, उसके बाद जाके जो पीछे पानी इकट्ठा हो गया है तो वहां पे जाके एक रिजर्वॉयर यहाँ पे जाके फॉर्म हो गया, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक क्या है, आर्टिफिशियल लेक, ठीक है जी। अभी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, फिशिंग वगैरह के लिए भी काफी ज्यादा फेमस एक सेंटर बन गया, ठीक है जी, क्लियर। तो आप इसके साथ जो मैंने स्टेशन मार्क किए तो आप इसका ध्यान रखते जाए, ठीक है, क्लियर। तो एक तो ये वाली चीज, अभी तो हमने सतलुज के बारे में जाके इसमें जिक्र किया हुआ है, हालांकि वैसे मैंने इसमें नीचे सतलुज के बारे में और भी दो तीन चीजें इसमें जाके मेंशन की हुई है, ठीक है। और जहां पे जाके ये लीव कर रहा है, जहां पे इसने जाके छोड़ दिया ना, उस जगह का नाम है नैला। तो इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो हो गया नैला, ठीक है जी, क्लियर। आगे कोट कैलूर करके जगह आती है, कोट कैलूर करके जगह आती है, वहां पे जाकर जो है गांव है नैला, और वहां पे इट लीव्स द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। तो दो सवाल हमने जाके यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, एक हो गया आपका कसोल जहां से एंटर कर रहा है, और एग्जिट पॉइंट कौन सा हो गया आपका नैला। तो आप लिख दें एंटर इसका एक कसोल है और एग्जिट इसका हो गया नैला,
ठीक है जी. तो वन इज दिस थिंग. ऑल राइट, तो सतलुज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवर है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खासतौर पर जब हम हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ते हैं. ठीक है, हालांकि ये सब चीजें जब हम मेंस की चीजें पढ़ते हैं ना, तो मेंस में मैं आपको और ज्यादा सही तरीके से इसमें आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें. हालांकि प्रिलिमिनरी में आपको मैं ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर कर दूंगा वैसे तो. ठीक है, तो समझ ले एक बार इसको जाकर. और ये हो गया हमारा जो सतलुज वाली मैंने आपको चीज बता दी है. तो इसमें कुछ रिवर्स मार्क कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. देखो एक है ना, इसको याद करने का और अच्छा तरीका है, इसकी जो मेन रिवर है सतलुज, ठीक है जी, जो मेन रिवर है सतलुज, ठीक है, और सतलुज के ऊपर एक्चुअली में जाकर इसकी तीन ट्रिब्यूटरीज है ऐसे करके, इतनों एस नाम से है, ट्रिपल एस, याद रहेगी चीज आपको ये, ठीक है ना. तो ये आप ऐसे करके देख लें, ये कौन कौन सी, सीर है, सुकर है और सरयाली है. यानी कि मेरा कहने का मतलब जो सतलुज फ्लो कर रही है ना, सतलुज के ऊपर से जो भी तीन रिस्क जो ट्रिब्यूटरीज इसमें जो ऐड हो रही है वो तीन अलग अलग नाम से है, ठीक है ना, ट्रिपल एस, ठीक है ना, याद रहेंगी चीजें ये आपको, ये ट्रिपल एस और चौथा एस इसमें सतलुज का हो गया. तो यानी कि जो सतलुज के राइट साइड में जो ट्रिब्यूटरीज है वो तीनों की तीनों एस नाम से है. तो कई दफा क्वेश्चन आता है किसकी जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो आपके लिए याद करने में आसानी हो जाएगी. क्लियर है चीज? तो ये ट्रिपल एस हो गई है, दैट इज योर सीर, सुकर और सरयाली. ठीक है जी, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी रिवर्स का क्या क्या जो क्या क्या इसका जो दो तीन इसकी जो लाइंस होगी हम इसके बारे में जाके डिस्कस करेंगे. तो लेकिन प्लीज अभी आप पहले सिर्फ और सिर्फ मैप को लर्न करेंगे, अभी हम रिवर्स पे हम फिर से जाकर आएंगे. हालांकि मैंने थोड़ा सतलुज का बता दिया, मैंने नहीं बताना था, लेकिन फिर भी मुझे पता, चलो थोड़ा डिस्कस कर लिया है ताकि थोड़ा सा आपको भी क्वेश्चन किस किस तरह से जाकर आएंगे, तो जिसमें जाकर मैंने चीजें आपस में जाके डिस्कस कर दी. क्लियर है चीज? तो सीर, शुक्र और सरयाली, आपको तीन ट्रिब्यूटरी जो है ये आपको ध्यान में रखनी है. क्लियर है चीज? और अब इसके अब आते लेफ्ट साइड में जाकर, ठीक है ना. तो अब एक चीज और देखो आप इसमें, मैंने बोला आपको तीन जो ट्रिब्यूटरी जो कहाँ कहाँ से आ रही है वो भी आप जाके देख सकते, एक मंडी वाले साइड से आ रही है, दो हमीरपुर वाली साइड से आ रही है, ठीक है ना, ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी. और इस तरफ ऊना वाला जो एरिया हो गया, तो ऊना वाला थोड़ा मैंने आपको कल जाके बताया भी था, याद होगा अगर आपको, यहाँ पे शाह तलाई करके मैंने आपको कुछ एरिया बताया था, ठीक है ना, शाह तलाई वाला कुछ असर मेंशन किया था, तो उस चीज का भी आप इसमें जाकर ध्यान रखें प्लीज. ठीक है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर दें. कोई चीज ऐसी है जो मैंने आपको कल बताई थी, से आसपास कुछ हो तो आपके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा अच्छे से बढ़ जाएगी. ठीक है जी, नाउ लेट्स कम टू द राइट, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट साइड ऑफ सतलुज. ठीक है, सतलुज हो गया, तो इसमें हो गया आपको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें तीन चीजें 3G है, ऐसे याद रखें आप इसमें 3G+A, ठीक है, 3G+A आपको इसमें ये चीज ध्यान में रखना है. अब 3G+A का आपको इसमें किस तरह जाके ध्यान रखना है, एक जी कौन सा हो गया है, वन इज एक जी आपका गोविंद सागर हो गया है, ठीक है ना, दूसरा जी आपका गंबर हो गया है, इसकी स्पेलिंग GGAMBHAR गंबर है, और तीसरा जो हो गया है दैट इज गमरोला, ठीक है जी, गमरोला, और जो एक जो अब ए हो गया दैट इज अलीखट, अलीखट. क्लियर है चीज? अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. तो अब मैं आपको लेट्स से कि अगर मैं आपको जाके वैसे ही रफली जाकर बोलूं कि क्या आप इसको जाके मुझे कुछ इसमें जाके आप इसका एक रफ सा विड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे करके इसको सतलुज आप ड्रॉ कर लें, ठीक है ना. और सतलुज मैंने आपको जाके बताया कि इसमें जो तीन एस लगे हुए हैं, ठीक है ना, और इस तरह जाके अली हो गया, ये इसमें जाकर ऐसे गया. ये तो खैर आगे जाके इसमें वही हो गया ना, गोविंद सागर लेक हो गई है, ठीक है ना. तो ये आपका इसमें गंबर हो गया है, ठीक है, ये इसमें आपका गमरोला हो गया है, ये आपके इसमें अलीखट हो गया. क्लियर है चीज? तो ये सिमिलर सिमिलरली यहाँ यहाँ पर भी ऐसे, ये आपकी जो सियर खट हो गया है, सियर खट भी लिखा हुआ है इसमें जाकर, ठीक है ना, और इसमें जाकर आप सीर नदी कुछ अलग अलग लिखा होगा, तो सीर खट कुछ भी इसमें जाके लिखा होगा, किताब किताबों में जाके, सुकर हो गया है और ये आपका सरयाली हो गया, ठीक है जी. तो आप इसको इस तरह से जाके ड्रॉ कर सकते हो अपनी सिर्फ और ये के ये जो आपकी जो लेफ्ट और साइड जो लेफ्ट और राइट जो ट्रिब्यूटरीज होगी आप इसके जाके मेंशन इसमें जाके कर सकते हैं, जैसे हमने कल इसमें जाके पढ़ा था. क्लियर है चीज? तो मैंने आपको दोनों तरह से जो चीजें इसमें जाके मेंशन कर दी, तो आपको याद करने के लिए भी चीजें आसान रह जाएंगी इसमें. क्लियर? तो अब मुझे लगता नहीं कि इसमें अगर इसमें अभी भी डाउट है तो होना नहीं चाहिए वैसे,
ठीक है चलिए, तो जो टोटल एरिया हो गया है बिलासपुर का दैट इज 1167 स्क्वायर किलोमीटर, 1167। जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था क्लास में कि हो सकता है कि जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो देयर माइट बी सम कोई आपसे जाके क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यू में, अगर आप बिलासपुर के रहने वाले हैं तो कुछ पर्टिकुलर जाके चीजें पूरे पूछ लेंगे, टोटल एरिया कितना है वहां का जाके, ठीक है ना, तो इन सब चीजों को जाके मेंशन कर दो। चलिए, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, जो जिसने आसानी से मर्ज नहीं किया था। तो जो अनंत चंद यहाँ के जो राजा थे आखिरी, तो थोड़ी मुशक्कतों के बाद मतलब कि मनाना पड़ा उनको जाकर, तो फिर अल्टीमेटली जाकर जो है यहाँ पे वो मर्ज हो गए इसमें, ठीक है ना। तो 1 जुलाई 1954 को जो है जो बिलासपुर है वो हिमाचल में जाके मर्ज हो गया, अदरवाइज वो बिल्कुल एक सेपरेट स्टेट था, सेपरेट प्रिंसली स्टेट था वो, ठीक है जी। पॉपुलेशन इसकी हो गई है सेंसस के अकॉर्डिंग जो है 381,956, ठीक है, तो ये क्या नाम आपको ये चीज हो गई है। ऑलराइट, तो ये जो जेंडर रेशियो इसका हो गया 981, देखो जेंडर रेशियो अच्छा है, ठीक है, ठीक है ना, 981। अदरवाइज आपको अदरवाइज ऐसे स्टेट्स में नहीं जाके देखने को मिलेगा, या डिस्ट्रिक्ट हमारे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट में ऐसा, ठीक है, तो एक चीज, ये जो जेंडर रेशियो बिल्कुल सही है। लिटरेसी रेट हो गया 84.59% है। अदरवाइज देखो कभी आप बोलोगे कि सर इसमें फिर फीमेल का कितना, थोड़ा बहुत चीजें बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो जाते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा और डिटेल देखना चाहते तो आप इसका जो गवर्नमेंट का ही जो सेंसस हो गया आप उसको जाके चेक कर सकते हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं तहसील्स की। तहसील्स में जाकर चार तहसील्स हैं, इंपॉर्टेंट तहसील्स हैं, बिलासपुर सदर है, ठीक है ना, झंडूटा है, घुमारवी है और नैना देवी है, ठीक है जी, क्लियर है चीज। और देखिए आपने लिखा है सीर इज द लार्जेस्ट, हाँ पढ़ेंगे अभी, अभी सीर का मैंने बताना है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है ना, ये राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरी है। हाँ तो देखो ना आप खुद जाकर देखो, जो मैंने आपको जाके जो ट्रिपल एस बताया और सारी वो आपकी जो राइट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज होगी है सर, पीडीएफ में सेम मैप ये मिलेगा, ये वाला मैप आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, यहाँ से आपको जो मैप जाके देने इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अली खट फॉर्म्स जुखाला वैली, हाँ आएगा भी नीचे, वैलीज कराता हूँ, ठीक है ना, तो ये जाके देख लेंगे इस चीज का। चलिए, तो आप इसमें तहसील्स का देखें, तहसील्स में जाकर जो है चार तहसील्स इंपॉर्टेंट है, घुमारवी है, बिलासपुर सदर है, झंडूटा है, आपका नैना देवी है, ठीक है जी, तो ये हो गया। और जो ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हमीरपुर के अंदर में आता है, ऊना भी एक्चुअली में जाके हमीरपुर वाले इसमें एरिया में जाता है, तो उसका भी जाके आप, सॉरी कांगड़ा में आता है वाला एरिया, ठीक है ना, तो इसका भी जाके आप देख लें जो हमीरपुर वाले जो एरिया इसका हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इसकी चार है, घुमारवी है, झंडूटा है, श्री नैना देवी जी है, बिलासपुर है, जो यहाँ पे जो टोटल सीट्स होगी इसकी एमएलए के लिए जो सीट्स है, ठीक है, तो एक ही चीज है। नाउ इसके अलावा जाकर जो है टोटल पंचायत जो है 151 है, और 151 के बाद जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो इसका बिलासपुर में है, ठीक है ना, और जो ये तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैप पे जाके आप देख सकते हैं कि जो इट इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो वन इज दिस। तो जो थर्ड लीस्ट, ये इसमें एक चीज और प्रिलिमिनरी की यहाँ पे, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स, कि ये सबसे कम जो आबादी है वो लाहौल स्पीति में है, फिर किन्नौर में, फिर आपका बिलासपुर में है, तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो ये इस चीज का भी इम्पोर्टेंट चीज है ये। तो मैं अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ इसमें, ठीक है, हाँ हाँ एक्चुअली मैं ऊना इसी में आता है, हमीरपुर वाली इसमें आता है, ठीक है, लास्ट के 15 मिनट अलग से रख लो, पॉलिटिक अप स्टार्ट, देखिए प्लीज ये वाले क्वेश्चन आप ये वाली चीज यहाँ पे मत करो आप इसको, कि पॉलिटिक अप स्टार्ट होगा, एक बार आप इसको एकेडमी के नंबर पे जाके कॉल करो, ठीक है ना। और प्लीज एक्चुअली मेरा भी इसमें फ्लो टूट जाता है, तो प्लीज इसमें जाके ना पूछे आप इसमें कुछ भी, ठीक है। तो इसका नाम जो बिलासपुर का जो पुराना नाम था दैट वॉज कहलूर, कहलूर करके नाम था, तो ये भी आपका प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन हो गया, प्रिलिम्स के लिए आप इसको मार्क कर दें। जहां पे मैं पी से मार्क कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं चलो इसको मैं येलो से मार्क करूंगा, तो आपने इसको जाके इम्पोर्टेंट है
ठीक है ना, आप इसको प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू जाके देखोगे। तो जो सतलुज है इट फ्लोज टू वेस्ट एंड डिवाइड्स द डिस्ट्रिक्ट इनटू टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स। ठीक है जी, क्लियर है चीज? तो ये तो मैंने आपको जाके चीज बता दी थी। तो इट लाइज ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ रिवर सतलुज, यानी कि जो बिलासपुर हो गया वो बिलासपुर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये सतलुज जा रही है तो इस तरफ भी तकरीबन बिलासपुर है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर बराबर एरिया जो हो गया है, ठीक है, जो सतलुज के दोनों तरफ जाके आता है। क्लियर? एलिवेशन जो हो गया, एलिवेशन देखो 290 से लेकर 1980 मीटर्स तक का है। तो अगर आपको इसमें ग्राफ में जाके बना सकते हो क्या इसका ग्राफ में, ठीक है ना, आप बिलासपुर को ग्राफ में जाके बनाएंगे तो देखो 290 काफी नीचे हो गया, 290 तो कुछ ऐसे करके ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है ना, 1980 मीटर जो है ऊपर तक वैसे करके आ जाए। क्लियर? चलिए अब ये जो इसका, ये थोड़ी मैंने इसकी जाके चीजें बता दी आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो इसकी, अब ज्योग्राफी पर आते हैं हम। और देखो जो बिलासपुर है, बिलासपुर बना हुआ है सात धारों से, सत धार कहलू से बना हुआ है, ठीक है जी। ठीक है सर, थोड़ा आराम से पढ़ाओ। देखो ये तो वीडियो इसमें ऑलरेडी रहेगा यूट्यूब पे, तो आप इसको बाद में भी जाके देख सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश यही है इतना तेज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सेवन हिल्स है, सेवन हिल रेंजेस, सात धार कैलूर, ठीक है जी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट, देखो सात धार में से जो एक हो गया दैट इज नैना देवी हिल, नैना देवी हिल सात धारों से बना हुआ ये, ठीक है ना, तो उनमें से जो एक हो गया दैट इज नैना देवी हिल। अब जो नैना देवी हिल हो गया है काफी बड़ा है, 30 किलोमीटर है ये, इफ आई टॉक अबाउट लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है, और 30 किलोमीटर की लेंथ हो गई है। और यहाँ पे जो फेमस टेम्पल है दैट इज नैना देवी टेम्पल, ठीक है, नैना देवी टेम्पल के अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो ये तकरीबन ये 1100 मीटर पर है जो नैना देवी टेम्पल हो गया ना ये, तो तकरीबन ये 1100 मीटर पर जाकर है, ठीक है जी। ऑलराइट, तो इट इज क्लियर है चीज। और यहाँ पे जाके जो नैना देवी वाला जो एरिया हो गया ना, अब देखो मैंने आपको मैप ऊपर जाके पहले मार्क कर दिया था नैना देवी हिल्स, जो मैंने उसमें जाके बता दिया था, तो उसको जाके वहां पे देख लेना कि नैना देवी हिल्स किस तरफ जाके रह जाएंगे। तो यहाँ पे यू विल फाइंड द परगनास, परगनास होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, परगनास होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो यू विल फाइंड द परगनास ऑफ कोट कहलूर ऑन फतेहपुर, ठीक है ना, जो यहाँ पे जाकर आपको दो बड़े गढ़ जो देखने को मिलेंगे वो है कोट कहलूर का और फतेहपुर, क्या नाम, फतेहपुर का, ठीक है। और जो यहाँ पे फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वो है एक कोट कहलूर है और एक फतेहपुर फोर्ट हो गया, ठीक है। और जो अगर मैं इसकी बात करता हूँ जो फतेहपुर फोर्ट है ना, तो यहाँ पे यू विल फाइंड 7 small forts, जो छोटे छोटे जो फोर्ट्स है वो यहाँ पे गढ़े बोलते हैं एक्चुअली उनको जाके ना, गढ़ जैसे हो गए, तो वो छोटे छोटे फोर्ट्स आपको यहाँ पे जाके ये देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखें जो नैना देवी हिल्स पे जाकर जो है यहाँ पे यू विल फाइंड टू इंपॉर्टेंट परगनास, दैट इज कोट कहलूर एंड फतेहपुर, जो एक इंपॉर्टेंट श्रीन भी यहाँ पर जाके है, दैट इज नैना देवी टेम्पल। चलो ये तो आपको यहाँ इस नाम से पता लग जाएगा, तो इसमें जाके ज्यादा डिस्कस करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो और भी अगर आपको इसमें जाके हो गया जो कोट हिल, ठीक है ना, कोट हिल है, कोट हिल का नाम कोट पर भी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेट्स से मैंने आप लिखा था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा इन चीज ध्यान रखिए, जैसे परगनास यहाँ पे दो गढ़ इम्पोर्टेंट है, एक से हो गया है और एक बजरू है, एक बस है और एक बजरू है, सो दे आर विद इन द फोल्ड ऑफ दिस हिल। क्लियर है?
ऑल राइट, आई डोंट नो इसमें कोई एरर हो गया था तो मैं, कोई बात नहीं, मैं पीछे वापस नैना देवी के पास आ जाता हूँ, ठीक है। तो आई होप अब क्लियर होगा, अभी आपको कोई इसमें, ठीक है। तो नैना देवी हिल्स की मैं जाके बात कर रहा था, तो नैना देवी हिल्स में जाकर जो है, मैं सारे हिल्स इसको दोबारा से बता दूंगा आपको, प्लीज इसका। तो नैना देवी हिल्स के बारे में हम इसका जिक्र कर रहे थे। ठीक है, 30 किलोमीटर का लेंथ हो गया है इसका, यार इसका कैश हो गया, अब देखिए प्लीज, नाउ टेक प्लीज, ठीक है। तो
All right, everyone. All right, everyone. So please, ये कभी टेक्निकल इशू हो जाता है तो ठीक है, थोड़ा सा आप पेशेंस रख लिया करें. All right. और थैंक यू सो मच, इसमें मैं कमेंट्स देख रहा था तो anyhow, now let's start. तो मैं बात कर रहा था नैना देवी हिल्स की बात कर रहा था. तो नैना देवी, पता नहीं इसमें थोड़ा ना टेक्निकल इशू कोई हो गया था, तो इट इज ऑल क्लियर नाउ. तो प्लीज तो मैं नैना देवी हिल्स की बात कर रहा था, और जो नैना देवी हिल्स है ये 30 किलोमीटर लेंथ, और इसका यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट परगनाज है. परगना जो है, किसी ने पूछा है इसमें जाकर, सो दैट इज एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है, एक क्लस्टर जो होता है, दैट इज कॉल्ड परगना. ठीक है जी, तो इसमें दो परगना इंपॉर्टेंट है, एक कोट कहलूर का है और एक फतेहपुर का है. ठीक है ना, सो वो दोनों जो है वो दे लाई ऑन दिस रेंज. ठीक है, तो यहाँ पे जाके जो फोर्ट्स, दो फोर्ट्स इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वो है कोट कहलूर है, और यहाँ पे जो फतेहपुर फोर्ट हो गया है. ठीक है ना, जो फतेहपुर वाला जो एरिया हो गया, इसमें जाकर यू विल फाइंड 7 छोटे छोटे जो गढ़ है वो बनाए गए हैं, जो फोर्ट्स है वो बनाए गए हैं. ठीक है ना, क्लियर चीज. तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो नैना देवी हिल्स है यहाँ पे जाके दो इम्पोर्टेंट फोर्ट्स है, एक कोट कहलूर का है और एक आपका फतेहपुर का हो गया. अभी थोड़ा ऊपर भी जाके हमने जिक्र किया था कोट कहलूर का. ठीक है ना, कोट कहलूर का हमने जिक्र भी किया था, जहां से जाके क्या चीज है, जो नैला गांव जो मैंने आपको बताया था, जहां से जो रिवर सतलुज जो एग्जिट करती है, बिलासपुर को छोड़ देती है, तो हमने वो पर जाके इसका जिक्र किया था. थोड़ी थोड़ी चीजों का आप इस तरह से रिकॉल करते जाया करें. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कोट हिल. कोट का जो मतलब हो गया जैसे कोई ऊंची जगह होगी, जैसे कोई ऊंची पहाड़ी सी हो गई, हम इसको जाकर बोल देते हैं कोट. ठीक है, तो यहाँ पे कोट हिल है, कोट पहाड़ी है, 30 किलोमीटर का लेंथ हो गया है, और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट जो परगनाज हो गए हैं वो है बसे है और बचरेटू है. ठीक है ना, बसे जो है यहाँ पे जाके जो ये और इम्पोर्टेंट फोर्ट जो यहाँ पे बसे को वैसे बसिया वाला एरिया जाके बोल देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फोर्ट्स हो गए हैं, बचरेटू है, बसिया है, शिवाला बचरेटू कोट है, दगोगा मलहोट है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज होगी, ये आपके प्रिलिमिनरी के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रिलिमिनरी. कई दफा क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि दगोगा मलहोट कहाँ है. ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा. पर्टिकुलर वैसे कोट पहाड़ी हो गया, कोट हिल में है जाकर है, और वैसे तो ये बिलासपुर जिले के अंदर जाके आ जाता है, तो आपको ये भी चीज जाकर इसमें अंडरस्टैंड करनी होगी. क्लियर है चीज. दगोगा मलहोट है नाउन, ये एक ही नाम है नाउन, या शिवाला बचरेटू इसको बोल देते हैं, बसिया हो गया एंड बचरेटू हो गया. तो एचएएस के जो क्वेश्चंस है ना, उन चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाके ये लर्न भी करनी पड़ेगी. ठीक है, और यहाँ पे जाके जो हाइएस्ट इसमें जो चोटी हो गई है, जो कोट जो इसका जो उसका नाम है ककरेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है जी, तो ये इसका भी जाके आपको इसमें ध्यान में जाके रखना है. ठीक है, तो ये दो चीज हमने जाके पढ़ लिया. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे साथ में, जैसे मैंने आपको अभी नैना देवी बताया, नैना देवी में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक कोट कहलूर आपको ध्यान में रखना है और दूसरा आपको फतेहपुर ध्यान में रखना है. और जब हम कोट हिल की बात जाके कर रहे हैं तो इसमें आपको बसे है, बचरेटू, परगना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोर्थ मैंने इसका साथ में जाके बता दिए, बचरेटू है, बसिया है, तो दगोगा मलोट है, नाउन शिवाला है, शिवाला बचरेटू है, तो ये इन सब चीजों को भी आपको लर्न करना पड़ेगा. ये चीजें दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले नहीं लिया, और ककरेड इसको जाके मार्क, जहां जहां पे मैं येलो मार्कर से चीजें मार्क कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए सारी चीजें जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन. जो तीसरे वाला हमारे पास है, दैट इज झंझियाड़ हिल. ठीक है ना, झंझियाड़ हिल, ये मैंने आपको ऊपर मैप में एक जगह मार्क किया था, हटवाड़. ठीक है ना, हटवाड़ मैंने आपको मार किया था, ये उस वाला जो एरिया हो गया ना, वहां पे आता है झंझियाड़ हिल. ठीक है, अब जो झंझियाड़ हिल हो गया है,
ठीक है ना, झंझियाड़ हिल जो है, अब जैसे मैंने आपको इस तरह से मार्क कराया था हटियाड़, ऊपर से एक रिवर आ रही है, दैट इज ये कौन सी रिवर आ रही है, सीरखट आ रही है, ठीक है ना, जो सीरखट होगी। अब सीरखट क्या करता है, इस जो पूरी जो हिल होगी इसको दो हिस्सों में जाके डिवाइड कर देता है, ठीक है जी। तो जो नॉर्दर्न वाला जो हिल हो गया है वो हो गया हमारा झंझियाड़, ठीक है, नॉर्दर्न वाला झंझियाड़ है, और जो सदर्न वाला है वो है बडोल, ठीक है, झंझियाड़ और बडोल। तो मैप पे अगर आपको मार्क करना है तो वहां पे जाके आप लिख दें, जो मैंने जहाँ पे आपको हटवार मार्क करवाया हुआ है, तो वहां पे जाके एक जो सियर रिवर है उसके आप नॉर्थ ऊपर की तरफ लिख दें, इसमें झंझियाड़ लिख दें, और जो नीचे वाली तरफ आप इसको बडोल लिख दें। तो इस तरह से क्या होगा ना, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की जो मार्किंग है वो बहुत अच्छी होती जाएंगी, और आपको जो चीजें खुद ब खुद बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होती जाएंगी, अल्टीमेटली आपकी जो खुद की जो HPG की है वो बहुत ज्यादा शानदार होती जाएंगी, बहुत ज्यादा बड़े से बनती जाएंगी चीजें ये। ऑलराइट, और यहीं पे जाकर इसी झंझियार हिल में जाकर जो है झंझियार नाम की जो चोटी होगी वो ऊंचे पे है, ठीक है ना। तो इट इज एट 1100 meters, ठीक है जी, 1100 meters। और यहाँ पे जाके दो टेम्पल्स हैं, दो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हो गए हैं, एक देवी बडोली का है और एक गुग्गा गेरविन का है, ये नीचे वाले एरिया में, जो बडोल वाला एरिया हो गया ना, बडोल वाला एरिया में दो इम्पोर्टेंट मंदिर यहाँ पे जाकर हो गए, एक देवी बडोली का है, माता देवी बडोली है, और एक गुग्गा गेरविन का है, ठीक है जी। तो ये भी आपको चीजें ध्यान में रहनी चाहिए, तो ये भी आपके जो है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। मैं आपको साथ साथ मार्क करता जाऊंगा प्रीलिम्स के लिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जाके देखते जाए। और इस तरह जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको इसमें एक चीज का मेंशन कर देता हूँ कि आपको ना इसमें कोई और चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आप कोई मर्जी बुक फॉलो कर दो इसके बाद, मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको करनी होगी तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप, मैंने आपको यहाँ कहा ना सिर्फ जगमन बलोकला पढ़ लें आपको, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको जो मेरी क्लासेस रहेंगी इसमें 30% आपको वो चीजें बताऊंगा मैं, कम से कम 30% वो चीजें रहेंगी जो आपको बुक्स में नहीं, मैं आपको जो बुक्स में नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बाकी आप खुद देखते जाएं प्लीज चीजों को, ठीक है, ज्यादा सोर्सेज फॉलो नहीं करने क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था ये चीजों का। तो ये हो गया हमारा झंझियार हिल हो गया, तो ये वी हैव कवर्ड दिस थिंग। अब इसके बाद चलते हैं हम जो अगला हमारे पास जो अगला हिल हो गया, दैट इज त्यून हिल, त्यून हिल जो हो गया है। अब जो त्यून हिल है, लेंथ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, अब किसकी कितनी लेंथ है ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो, इसको ना याद करो ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो हाइएस्ट जो क्या बोलते जो पॉइंट हो गया, दैट इज सरयून पीक, ये आपका अगेन दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स, ये आपका प्रीलिम्स है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही पूछ लेंगे आपसे कि सरयून पीक कहाँ पर है, ठीक है। तो इतना तो ये तो बहुत ऐसे हो जाएगा कि अगर ये पूछ लेगी इसकी इसकी एलिवेशन इसका पूछ लिया, फिर तो चलो बच्चे को तंग करने वाली चीज है ये, लेकिन मुझे ऐसे कहे कि आई कैन से दिस थिंग कि ये ऐसा सवाल ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर भी सर इन पर आप ध्यान में जाके रखें कि ये बिलासपुर में जाकर आता, कई दफा मैच द फॉलोइंग आ जाएंगी, तो इधर हिल्स पी इस इधर जो पीक के नाम लिख दिए, इधर दूसरी तरफ जाकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख दिए, तो उसमें मैच करना पड़ेगा आपको। तो ये हमेशा से जाके सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है कि मैं आपको कितनी चीजें पढ़ा, आपको लगेगा कि सर ने तो ये चीज मिस कर दी, सर ने ये चीज एक्स्ट्रा बता दी, ये चीजें मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि अप्रोच मुझे आपको वो बताना पड़ेगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगा, अदरवाइज तो आपको मैं जितनी ऐसे बताने के लिए तो ना जाने कितनी चीजें ऐसी होगी बिलासपुर के अंदर जो मैं आपको शायद इसमें ना भी बता पाऊँ, ठीक है ना। हो सकता है चार चीजें आपको वो बता दूँ, कभी एग्जाम में पूछेंगी आएंगी भी नहीं चीजें, लेकिन अप्रोच आपका पता होना चाहिए कि अप्रोच मुझे आपको बताना पड़े किस तरह से आपको जो चीजें पढ़नी भी और जिस यहाँ पे मुझे किस तरह चीजें पढ़ानी भी है ताकि एग्जाम हमारा क्रैक हो जाए। तो त्यून हिल है, त्यून हिल का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज सरयून पीक, ये प्रिलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जाके जो फोर्ट्स हो गए हैं वो तीन इंपॉर्टेंट फोर्ट्स है, ठीक है ना। तो एक आपका सरयून हो गया, ये वाला जो है, ठीक है, सरयून, इसका नाम सियून भी है, सियून सरयून और सियोन, ठीक है ना, नौरानगढ़, ठीक है ना, नौरानगढ़ हो गया और त्यून, तीन फोर्ट्स हो गए, त्यून फोर्ट है, नौरानगढ़ फोर्ट है, सरयून जो सियोन सियोन फोर्ट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो फिर से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दो तीन चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, जो टेम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वन इज पीर भैयानू, ठीक है ना, हरम्बा देवी है और सिद्ध गुरुनाथ है, ठीक है ना, पीर भयानु है, हरम्बा देवी है, सिद्ध गुरुनाथ, ये तीन इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं आपको जो जाके इसमें ध्यान रखने होंगे, क्लियर है चीज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गया। चलिए तो ये सेंचुरीज वगैरह मैं सारी करवाऊंगा, संजय रैना जी, ये जो आपको सारी जो ये आपको सारी चीजें आती जाएंगी बीच बीच में, ठीक है ना। कुछ लेक्चर्स मैंने ऐसे जो मिसलिनियस क्लासेस होंगी लास्ट में जाकर, उसमें जो चीजें रह जाएंगी
तो आपको मैं जाके चीजों को जो बारे में जाके बता दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो एक आपकी ये चीज हो गई है। नेक्स्ट वी हैव इज, इसमें हो गया बांदला हिल, फिर इंपॉर्टेंट चीज ये भी बांदला हिल। कई दफा एक आप पिछले पेपर जाके देखना, उसमें जाके ये चीजें जो है वो मेंशन की हुई है, ठीक है ना। उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा बांदला हिल कहाँ पर है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट है बहादुरपुर, बहादुरपुर हिल जो हो गया, ठीक है ना। बहादुरपुर हिल मैंने आपको जहाँ पे बताया था अलीखड़ जो रिवर बताई थी मैंने आपको कुछ ये, ठीक है ना, गंबर गमरोला कुछ कैसे ऐसे करके बताया था, ठीक है। तो वहां पे जाकर जो है यू विल फाइंड दिस अलीखड़। तो अलीखड़ को जो है ये जो अलीखड़ है इस बहादुरपुर को दो हिस्सों में जाके डिवाइड कर देता है, ठीक है जी। तो एक्चुअली में यहाँ का जो राजा था विजय चंद, तो विजय चंद यहाँ पे रहा करता था, ठीक है जी, जो ये आपका बहादुरपुर हिल हो गया। तो अलीखड़ डिवाइड द हिल इन टू पार्ट्स, और जो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट उसका नाम है टाटो, नॉर्दर्न पार्ट का नाम है टाटो, और जो सदर्न पार्ट है इसका नाम है बहादुरपुर, ठीक है जी। चीजें अब इस चीज को ध्यान में रखना कि जब हम इसकी हिस्ट्री जाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो जब हम इसकी हिस्ट्री जाकर डिस्कस करेंगे तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं आएगा जिक्र में, फिर ये जो बहादुरपुर हिल वाला जो है ना, फिर आएगा ये चीज पढ़ने में, इसके इसलिए इसको मार्क करके रखो। ये हम इसको मेंस में भी जाके पढ़ते हैं, ये वाला जो हिल हो गया, ठीक है जी। तो प्रिलिमिनरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है बहादुरपुर है, और क्वेश्चन आ जाएगा कि ये समर अबोर्ड कौन से राजा का था, तो ये राजा विजय चंद का था, ठीक है ना, राजा विजय चंद का ये समर अबोर्ड का था, समर अबोर्ड था, और ये चीज होगी इसमें जाकर, क्लियर है चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव इज रतनपुर हिल। तो जो रतनपुर हिल हो गया है ये वाला जो आपका है, इट इज एट 1230 इस पे मीटर्स पे है, लेंथ जो हो गया है ये आपका 11 किलोमीटर्स का है, ठीक है। और जनरल ऑक्टर लोनी ने यहाँ से जाकर जो है अमर सिंह थापा पे अटैक किया था, ठीक है ना। ये बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है जो रतनपुर जो जगह हो गई है, ठीक है ना, थोड़े ऊंचे में जाकर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इन लोगों ने काफी एक रास्ता और एक रोड रास्ता सा बना दिया था, रोड सी बना दी थी, और इसके साथ जो कैलूर का जो राजा था उसके साथ इसका हेल्प लिया था, ठीक है ना। और जहां से जाकर इन लोगों ने फिर इसको जाके पूरा एक प्लान बनाया था इसको हराने का, ठीक है जी। जनरल ऑक्टर लोन, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो इसमें जाके देख लेते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके इसमें कुछ कमेंट्स आपके देख लेता हूँ। सर अगर देवट से तो हमीरपुर है, नीचे लिखा है हमीरपुर, ठीक है ना। समर रिपोर्ट जहाँ पे गर्मियों के टाइम का जो इसका घर हो गया, गर्मियों में जहाँ पे जाकर ये रहा करता था, ठीक है। ऑलराइट, ये मैप जो हो गया ना, ये जो गुमारवी वाली जगह होगी उस तरफ को आता है कंद्रौर जो ब्रिज हो गया, ठीक है जी। गुमारवी वाला जहाँ पे मैप पे मार किया वहां पे जाके आपका कंद्रौर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वी हैव इज वैलीज, ठीक है जी, वैलीज। तो वैलीज में द इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव, देखो द इम्पोर्टेंट इज सतलुज वैली, मैंने ऊपर भी थोड़ा बता दिया था लेकिन इसका जिक्र यहाँ पे जाके भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सतलुज जो है इट फ्लोज अबाउट 90 किलोमीटर इन बिलासपुर, ठीक है ना, 90 किलोमीटर्स इन बिलासपुर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, 90 किलोमीटर्स फ्लो करता है ये इतना ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो उसमें है दैट इज एंट्री कहाँ पर है और एग्जिट कहाँ पर है। ये जो दोनों चीजें आपकी जो है ये प्रिलिमिनरी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये प्रिलिम्स के लिए आपकी इम्पोर्टेंट चीजें होगी, क्लियर। ये पक्के क्वेश्चन है, यहाँ पे जाके जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो रिवर वाटर, ऑब्वियस जो रिवर वाटर जो है इट इज यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर, वेजिटेबल प्रोडक्शन है, हॉर्टिकल्चर वाली जो यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस की जाती है, तो उन सब चीजों के लिए जो पानी का इस्तेमाल है वो किया जाता है, ठीक है। और एंड यू विल आल्सो फाइंड देयर आर अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लोइंग थ्रू दिस वैली, क्लियर है चीज, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए दैट इज कसोल और नैला, ये दो छोटे छोटे गाँव है जहां पे जाके ये कसोल में एंटर करता है और नैला में जाकर ये एग्जिट करता है। तो कसोल ये कुल्लू वाला नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव इज चौंटो वैली, ठीक है जी। अब जो चौंटो वैली हो गई है, ये जो नीचे भाकड़ा वाला जो एरिया गया, यानी कि जो अब चौंटो वैली थोड़ा बता सकता हूँ मैं आपको, ये जो नैना देवी वगैरह वाला जो एरिया गया ना, इसके जो नीचे फुटहिल्स ही बोलूंगा वैसे मैं इसको, जो नीचे नीचे वाला इसके जो एरिया, प्लेन वाला जो एरिया होगा इसका ना, ठीक है ना। तो उस तरह को आता है चौंटो वैली, तो इट स्ट्रेचेज नियरली 30 किलोमीटर नियर भाकड़ा, ठीक है ना। भाकरा जो गांव है बिलासपुर के अंदर में जाकर आता है,
तो द प्रॉक्सिमिटी टू पंजाब एंड शिवालिक कैन हैव सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। इस चीज को समझ रहे हैं कि ये जो चौंटो वैली है ये पंजाब के साथ लगती है, ठीक है ना, पंजाब के साथ लगती है, और जो शिवालिक हिल्स ऑब्वियसली उसी का हिस्सा है ये, ठीक है ना। तो जो पंजाब में जाकर आपको जो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगी, वहां पे जो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह जो फॉलो की जाती है, तो वही आपको इस वाले एरिया चौंटो वैली में भी जाके देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, क्लियर। तो ये इस तरह करके चीज होगी। अब दूसरा ये भी है कि इसके पास में जाकर, जो चौंटो वैली के पास में जाकर जो है गोविंद सागर लेक भी है, ठीक है ना, जो गोविंद सागर लेक जो है ये इसके पास में जाकर आ जाती है। तो थोड़ा सा फिर ये हो जाता है कि जैसे लेक है तो भाखड़ा डैम इसके साथ में जाके बना हुआ है, तो इट हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन टू द इकोनॉमी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया आपकी चौंटो वैली। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डनविन वैली, ठीक है ना, डनविन वैली। अब जो डनविन वैली हो गई है, इट इज लोकेटेड बिटवीन भादरपुर एंड बांदला, ठीक है ना, भादरपुर एंड बांदला। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये भी चीजें बताऊंगा, बेशक मैंने चीजें सारी लिखी हुई है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट। लेंथ 10 बाई 5 किलोमीटर वाइड है ये, तो ये नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्लियर है चीज, ये बिल्कुल, ये लेंथ वगैरह की ज्यादा है, जहां लेंथ इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दिया करूंगा उसमें। सो इट इज लोकेटेड बिटवीन भादरपुर एंड बांदला, ठीक है ना। सो एंड इट इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेज, राइस, शुगर केन, जिंजर एंड व्हीट क्रॉप्स, ठीक है ना। तो ये वाली जो प्रोडक्शन है यहाँ पे जाके ये फेमस प्रोडक्शन है इसकी ये, ठीक है ना। तो ये दो तीन चीजें इसकी जाकर इस तरह से हो गई है। तो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे करके आएंगे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कैसे करके आएंगे, ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ बताते जाऊं चीजें। डनविन है, चौंतो है, सतलुज वैली है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ गया कि डनविन वैली कहाँ पर है, ठीक है ना, चौंतो वैली कहाँ पर है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन सतलुज वैली वाला क्वेश्चन थोड़ा पूछेंगे तो डाउट में हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। तो वैसे तो आप बोलोगे कि सर ये तो सतलुज वैली से पीछे को जाएगा, लेकिन प्रॉपर फॉर्म से वैली कहाँ पे फॉर्म की जा रही है, प्रॉपरली वैली किस तरह फॉर्म की जा रही है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप बोलेंगे सर किन्नौर में जाके वैली फॉर्म करता है ये, इस तरह से आप इस तरह से बोल देंगे, ठीक है ना, मंडी के आसपास वाले एरिया में वैली फॉर्म कर देता है, लेकिन जो एक क्लियर कट जो वैली का फॉर्मेशन है, दैट यू विल फाइंड इट इन बिलासपुर। लेकिन इस तरह का सवाल, इस तरह पूछना थोड़ा सा टेढ़ा ही हो जाता है, ठीक है ना। एनी हाउ, तो ये चीजें ध्यान रखें आप इसमें। हमने इसकी जो तीन वैलीज है इसके जाके, इस पर हम जाके जाके डिस्कस, लेकिन छोटी छोटी जो वैलीज इसके साथ हो गई है, ठीक है ना, इन्हीं के इन्हीं का ही जो सब पार्ट हो गया, जैसे दनवेन हो गया, तो इसी का सब पार्ट आप इसमें, जैसे जुखाला वैली हो गया, ठीक है ना, हालांकि क्वेश्चन इसका नहीं पूछेंगे, लेकिन जाकर जो है फिर भी ध्यान में रखें आप इसमें, ठीक है। तो एक जुखाला वैली भी इसमें जाके आप इसमें एडिशन कर सकते हो इस चीज का। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसमें रिवर्स का, रिवर्स की हम बात करते हैं। तो रिवर्स के जैसे मैंने आपको जाके बताया था, सतलुज जो है, सो इट इज अ मेन रिवर हेयर, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसका जिक्र कर दिया था कि ऊपर ये किन्नौर से फ्लो के क्या नाम ये किन्नौर से, ये किन्नौर, ठीक है ना, वहां से फ्लो करती है, वहां से आती आती सीधी ये फिर डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर आती है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ जाकर ये फिर इधर कुल्लू है, इधर कुल्लू है, इधर शिमला है, ऐसे शिमला में एक्चुअली में एंटर करती है ये, शिमला में तो एक्चुअली में जो एंटर करिए चौरा चूरा वाला जो एरिया उधर जाके एंटर करती है ये, रामपुर से पीछे वाला जो एरिया हो गया, ठीक है। फिर इधर शिमला डिस्ट्रिक्ट है और कुल्लू, ये फिर इसने बॉर्डर फॉर्म कर दिया यहाँ पे जाकर, ये बॉर्डर है, आगे आ गया, फिर आगे कुल्लू का आगे मंडी आ गया, ठीक है ना, और सोलन का, शिमला का आगे सोलन आ गया, तो इधर जाके इसने, इधर अगेन इसने जाके इनके बीच बॉर्डर फॉर्म कर दिया। ऐसे किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अंदर नहीं जा रही है, लेकिन ये यहाँ बॉर्डर फॉर्म करी, फिर आती है सीधी सीधी किसके अंदर, बिलासपुर के अंदर, जगह का नाम क्या है, कसूल, फिर कसूल में इसने जाके एंट्री कर दी, ठीक है जी। एंड इट लीव्स एट नैला, छोड़ने वाला गांव कौन सा, नैला, ठीक है। तो एक ही वाली चीज हो गई इसमें, तत्तापानी आपने लिखा है इसमें, किसी ने अनमोल वर्मा ने तत्तापानी, चलो भाई तो एक ग्राउंड है इंपॉर्टेंट, अब तो एक वो स्प्रिंग्स वगैरह भी है वहां पर जाकर, वहां पर भी है ये चीज, ठीक है, मंडी माता ये वाला जो एरिया, तत्तापानी वाला जो आप बता रहे हैं, क्लियर चीज। तो इसके अलावा जाकर जो है नेक्स्ट वी हैव इज सीर, सीर खड, सीर खड, ठीक है ना। तो जो सीर खड हो गया है, इट एंटर्स बिलासपुर फ्रॉम हटवाड़, हटवाड़ अब तो याद हो जाना चाहिए आपको,
अब इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए, जो जो चीजें मैं आपको जाके बता रहा हूँ, ठीक है ना। हटवाड़ हो गया है एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब कुछ बोलेंगे कि सर नहीं स्पीति है, जो स्पीति रिवर होगी वो बड़ी है, नहीं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, हालांकि इसमें जो पानी का जो वॉल्यूम है काफी ज्यादा कम है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में काफी बड़ी ट्रिब्यूटरी हो जाती है उस तरफ से आने के लिए, ठीक है जी। ये ऊपर मंडी वगैरह से आती है, ये नीचे की तरफ। फिर सरियाली एंड सुकर, ये मैंने आपको बता दिया, देखो जॉइंस द खड जॉइंस इट एट बलकर, ये भी चलो थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब तो इतना बता दिया मैंने, सरियाली है सुकर है, तो ऊपर जो ट्रिपल एस, अब भूलना नहीं है आपको जाके चीजें, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस कहां से, सतलुज के जो ऊपर से आ रही है, ठीक है ना, क्लियर है चीज। तो ये हो गया नीचे, तो इट जॉइंस सतलुज नियर सेरी, ठीक है, क्लियर, जगह का नाम हो गया सेरी, तो ये होगी चीज है। नेक्स्ट वी हैव इज गंबर, तो जो गंबर हो गया है, गंबर इट राइजेस बिलो तर, हाँ आपने लिखा सर ओरिजिन ऑफ सियर, सियर मंडी से आती है, जो मंडी वाला जो एरिया हो गया ना, ठीक है ना, उस तरफ से आती है ये चीज। तो गंबर जो है, गंबर राइजेस बिलो तारा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होगी, तारा देवी इन द शिमला हिल्स, शिमला हिल्स में है, ठीक है ना, इट एंटर्स बिलासपुर एट विलेज नैरी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होगी, एंड इट जॉइंस सतलुज एट दंगरान, इट जॉइंस सतलुज एट दंगरान, ठीक है ना, क्लियर है चीज। और बस ये दो तीन चीजें इसमें जाके आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, सियर खड है, फिर मैंने आपको बताया था अली खड, ठीक है ना, जो अली खड हो गया है, इट राइजेज नियर द विलेज कॉल्ड मंगू ग्याना, ठीक है ना, मंगू ग्याना ये आता है सोलन के अंदर में जाकर, अर्की तहसील जो होगी वहां पर जाकर आता है मंगू ग्याना जगह, ठीक है ना। और फिर ये जो है, ठीक है ना, इट एंटर्स बिलासपुर, ठीक है ना, एक जगह का नाम है एट अ प्लेस कॉल्ड कोटीहरर, कोटीहरर, ठीक है ना, और एक दो दो जगह साथ में आती है, कोटीहरर है और दूसरे का नाम है मनोठी, मनोठी, ठीक है ना, ऑलराइट। और इसके बाद जाकर जो है जॉइंस, ये सतलुज को ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, सतलुज को ये अली खट जो है ये ज्वाइन करेगा सतलुज को, जॉइंस एट बेरी घाट, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे जाके जो है इसकी दो तीन चीजें मैंने आपको इसमें जिक्र मिला दी है। तो मुझे लगता है कि अब आपको इसमें जो ट्रिब्यूटरीज है जो बतानी जो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है वो चीज हो गई है। फिर हमारा रहेगा गोविंद सागर लेक, जो गोविंद सागर लेक जो हो गया है, ठीक है ना, इफ आई टॉक अबाउट गोविंद सागर, गोविंद सागर मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था इसमें, इट इज द लार्जेस्ट, ठीक है ना, इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक, ठीक है ना, ऑलराइट। तो ये हो गया, भाखड़ा डैम का रिजर्वायर जाके फॉर्म होता है ये, और ये बताया जाता है कि ये आपने देखा भी होगा, जो लोग बिलासपुर से कभी आप कभी गर्मियों के वक्त में गुजरेंगे वहां से, तो देखना कभी वहां पे ना कुछ जो फोर्ट्स वगैरह वो आपको दिखेंगे, जब पानी रिसीड कर जाता है वहां पे जाके ना, गर्मियों के महीनों में जब पानी कम हो जाता है वहां पे, सूख जाता है, तो वहां पे आपको कुछ फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये बताया जाता है कि जो इसने जब ये रिजर्वर जब फॉर्म हुआ, जब ये रिजर्वर फॉर्म हुआ ना इसका, ठीक है, जब ये पीछे पानी स्टोर हो गया, तो इसने तकरीबन तकरीबन 256 गांव जो है, ठीक है ना, देवर समर्ज्ड इनटू गोविंद सागर लेक, क्लियर है चीज। तो अब इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपने जाके देखना है कि जो ये पोंग डैम है ना, ये पोंग डैम के साथ इशू क्या है, ये राजस्थान के साथ हमारा कुछ इशू चल रहा है, कुछ जमीन जमीन का लफड़ा चल रहा है, तो आपने जाके इसके बारे में देख कर आना है, ठीक है ना, इसको पढ़ लेने एक दफा, क्लियर है चीज।
ये होगी। तो इसके अलावा जाके यू विल ऑल्सो फाइंड सम टैंक्स हियर। जो टैंक्स हो गए इनको बोलते हैं टोबा, ठीक है ना, क्लियर है चीज। तो ये हो गया इस तरह की चीज है, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सिमरन ठाकुर ने पूछा कि सर व्हाई दिस लेक इज नोन एज टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। देखो क्या हुआ था कि जब ये इसका उद्घाटन किया गया था, जब एक्चुअली में बन रहा था, जब ये बन रहा था ना, क्या बोलते भाखड़ा डैम बन रहा था, तो यहाँ पे जाकर इसको पंडित नेहरू ने कहा था, ठीक है ना। पंडित नेहरू ने ये बात कही थी कि भाई ये जो हम चीज बना रहे हैं, ठीक है ना, ये एक एक बहुत बड़ी चीज हम बना रहे हैं एक्चुअली में, जो हिंदुस्तान के लिए एक एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये एक एक बहुत बड़ी चीज हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पंडित नेहरू ने बात कही हुई है, ठीक है ना, कि इट इज अ टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ठीक है। तो एक ये वाली कहानी होगी। नाउ अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अब आप लिख दें टॉपिक, आप वहां पे ऐड कर दें हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर, हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर, ठीक है जी। तो अब देखिए, अब आप किताबें पढ़ेंगे, ठीक है जी, अब आप किताबें पढ़ेंगे तो किताबों में कुछ अलग अलग तरह की चीजें लिखी, जैसे चंद्रवंश विलास है, ठीक है ना, शशि वंश है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह के, मैं जैसे आपको कल भी कहा था, ठीक है, एक बार पहले हिस्ट्री में पढ़ लूं तो उसके बाद जाकर मनीष धीमान जी, फिर हम मनीषा धीमान जी है, तब उसके बाद हम उस पर भी जाकर आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं टैंक्स पहले बता देता हूँ। ओके, मैं टैंक्स, मैंने थोड़े से बताया, मैं टैंक्स के बारे में जिक्र ही भूल गया इस चीज का, तो टैंक बता देते हैं आपको, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टैंक्स यहाँ पर जाकर, टैंक्स जिसको टोबा जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो वो आपका हो गया है, द फर्स्ट वी हैव इज टैंक रिवाल्सर, ठीक है ना, टैंक रिवाल्सर हो गया। तो एक ये है टैंक्स के अंदर, सिर्फ नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक हो गया है जगत खाना टैंक हो गया है, ठीक है। ये जो टैंक है ये हीरा चंद ने बनाया था, जिनका मेंशन है, मैं आपको उन्हीं के बारे में जाके जिक्र करूंगा, ठीक है। तो काफी पुराना टैंक है ये, ठीक है ना। तो ये जो जगत खाना होगी ये 1874 का है बना हुआ ये, ठीक है। फिर एक हो गया स्वारघाट टैंक, एक स्वारघाट टोबा। अब देखो जो आप पूछ रहे हैं ना कि जैसे जो टैंक्स हो गए ये व्हाट काइंड ऑफ टैंक्स आर दोस, ये टैंक्स हो गए जैसे जो एग्रीकल्चर वगैरह की, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहते थे। कई कई दफा जैसे पानी वगैरह का इशू हो गया, ठीक है ना, तो जो पानी का जो जो इस्तेमाल है फिर यहाँ से किया जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये जो एरिया जो सारा हो गया ना, तो इट इज वेल नोन फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो उन चीजों के लिए जो है टैंक्स को बनाना जरूरी होता था, ठीक है। तो ये हो गया जो स्वारघाट टोबा हो गया, तो ये भी ये एक्चुअली में ये भी इसी के टाइम का बना हुआ है, हीरा चंद के टाइम का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी 1874 का है, ठीक है ना। और भी है कुछ, इसमें जैसे नाम हो गया जमथल है, ठीक है ना, नाम ध्यान में रखें, कुछ ऐसा नहीं कि ये किसने क्या क्या चीज है, जो जो थोड़ी बहुत चीज है इसका ध्यान रखें बस, आप नाम इंपॉर्टेंट है बस। कसोल टैंक है, ठीक है ना, संगवाना है, संगवाना हो गया है, ठीक है। संगवाना जो है ये इसके क्या बोलते विजय चंद के वक्त का बना हुआ है, ठीक है, संगवाना। तो ये जो संगवाना है इसका आप एक एक नाम और लिख दें, दैट इज कौलन वाला, ठीक है जी। तो एक ये वाली चीज हो गई है, तो दिस वाटर टैंक पोस्ट ये इसका ध्यान रखना, विजय चंद ने इसको जाके बनाया था। तो इन्हीं बस इन्हीं चीजों का बस, आपने जो क्वेश्चन में जाके पूछा तो मैंने वैसे थोड़ा सा इसको नहीं बता रहा था, लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ा प्रिलिमिनरी के लिए, और भी क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको इसमें जाके चीजें बता दी है, क्लियर है चीज।
तो और यहां पे दो इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स भी हैं, स्प्रिंग्स, ठीक है। ऑलराइट, जो स्प्रिंग्स हो गया है वो आपका एक तो गया लुहंद में, एक तो लुहंद स्प्रिंग हो गया है, ठीक है ना, जो जगह है ना ददराना स्वर घाट के पास में जाकर, तो वहां पर है ये चीज, ठीक है ना। और दूसरा हो गया बस्सी, बस्सी स्प्रिंग, ठीक है। तो ये बस्सी स्प्रिंग में लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, इट इसको काफी ज्यादा सीक्रेट जो है कंसिडर किया जाता है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको इसमें जाके जो इन चीजों का जिक्र है वो कर दिया है। अब इसमें जाके मुझे आपको अभी तक आपने जिसमें लिखा फेस करेंगे सारी चीजें आएंगी, अभी थोड़ा रुक तो जाओ, अब हिस्ट्री में चलते हैं, हिस्ट्री बड़ी मजेदार है इसकी पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो हम इसमें जाके अब थोड़ा हिस्ट्री का शुरू करते हैं। अब देखो, अगर हम इफ यू गो बाय द बुक्स, एक तो गणेश सिंह की कुछ किताबें लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो उनकी जो किताब है चंद्रवंश विलास है, शशि वंश विलास है, उसमें जाके वो लिखते हैं कि भाई जो बिलासपुर का जो फाउंडर है, ठीक है ना, बिलासपुर को जो फाउंडर हो गया है वो कहते हैं कि इट वॉज बीर चंद, ठीक है ना, इट वॉज बीर चंद। क्लियर है चीज, ध्यान से अभी ध्यान से सुनना आप चीजों को। उसने क्या कहा कि बीर चंद है भाई, और उसने कब इसको जाकर स्थापित किया, 697 में, 697 AD में जाकर, ठीक है, 697 AD में जाकर इसको जो है इसने स्थापित किया, दैट इज बीर चंद। चलिए, एक किताब होगी आपकी ये। अब एक किताब है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स। ये जो पंजाब हिल्स की जो किताब है, इट इज रिटन बाय हचिनसन एंड वोगल, डॉक्टर हचिनसन एंड वोगल ने जाके किताब लिखी हुई है। तो ये कहते हैं कि जो बीरचंद ने ही फाउंड किया इसको जाकर, लेकिन 900 AD में जाकर, ठीक है जी। था के पास दुख तो यहाँ पे डेट्स आ गई है। तो काफी सारी किताबों में 697 में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको दो किताबों को जाके जिक्र कर दिया इसमें। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स में लिखा हुआ है कि भाई ये जो स्टेट हो गया है कैलूर का जो स्टेट है, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 900 AD। तो इसमें जाके दो चीजों का आपको जिक्र कर दिया, ठीक है जी। लेकिन जो फाउंडर हो गया स्टेट का, दैट वॉज फाउंडर है, बिलासपुर स्टेट का जो फाउंडर है, दैट इज योर बीरचंद। तो ये आपका प्रिलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी, तब बी से बिलासपुर, बी से बीरचंद, ये आपको ध्यान में रहेगा। चलिए, अब एक चीज हो गया है कि जो बीरचंद है ही इज बेसिकली एसोसिएटेड विद चंदेल राजपूत फैमिली, चंदेल राजपूत फैमिली, ठीक है ना। इसके जो फादर जो थे, ठीक है ना, हरिहर चंद, ठीक है ना। अब थोड़ी सी कहानी में पीछे चलते हैं। हरिहर चंद जो है उनके जो थे, ही हैड फोर सन्स, चार बेटे थे, ठीक है, चार बेटे थे, और ये आई एम सॉरी, फाइव, देर वर फाइव सन्स, ठीक है ना, पांच बेटे थे। तो पांच में से गोविंद चंद है एक, बीर चंद है, ये गंभीर चंद है, कबीर चंद है, सबीर चंद है, ठीक है, ये अलग अलग नाम हो गए हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की चीजें होगी कि इनके बारे में बताया जाता है कि जो बीर चंद है कि ये लोग चंदेल राजपूत फैमिली के जो थे, रहने वाले थे बुंदेलखंड के, ठीक है ना, बुंदेलखंड के रहने वाले थे, चंदेरी का राजा था जिसका नाम था हरिहर चंद, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पे जाके इसको मैं बता देता हूँ कि तो ये बताया जाता है कि भाई जो ये बुंदेलखंड के रहने वाले थे, और हरिहर जो है एक्चुअली में ये ज्वालामुखी आ गए, ठीक है ना, टू पे ओबीसियंस एट द टेम्पल, ठीक है, माथा टेकने के लिए वहां पर आ गए। तो अब जैसे ही जाकर जो है बीरचंद ने सतलुज को क्रॉस किया, मैंने आपको कहा ना सतलुज बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, सतलुज को जैसे ही जाके क्रॉस किया तो वहां पे सामने हुआ रोहंद, रोहंद ठाकुर का, रोहंद ठाकुर का, ठीक है ना। तो रोहंद ठाकुर का सामना हुआ तो उनको जाके बीट डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद ही एस्टेब्लिश्ड कोर्ट कैलूर, ये एक कहानी इस तरह से जाके बताई जाती है, ठीक है जी। अदरवाइज आपने थोड़ा सा अलग से ही कुछ किताबों में अलग तरीके से भी जाके लिखा हुआ है कि जो ये जो ये जो हरिहर चंद हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पर जाकर आया था, तो ये गोविंद चंद जो है
इसने अपनी बाकी की बातें अलग अलग, लेकिन थोड़ी बहुत जो कहानी है वो आपको मैं इस तरह से भी जाके बता दूँ। देखो कुछ चीजें ऐसे करके जो जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज हो गया बिलासपुर की, या कुछ जो गाने हो गए हैं, तो उन गानों में भी इन राजाओं के बारे में बातें बताई जाती है, तो वहां से भी कुछ जो स्टोरीज है हम उसको जाके ले सकते हैं। लेकिन चलो ये तो थोड़ा ऐसे कि एक अपनी अपनी नॉलेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है। अब इसमें कितनी कितनी क्या क्या चीजें हैं, तो इसके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कहानियां जो हो गई, हम थे ना वंशावलीज, तो वंशावली से हम इन जो कहानियों के बारे में है इसके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब बात आती है नाम जो है कहलूर, ठीक है ना। अब कहलूर नाम क्यों है, ठीक है ना। अभी कहलूर नाम क्यों है कि भाई ये कहा जाता है कि जो बीरचंद जो है, फाउंडर है बीरचंद, तो ही फाउंडेड एन आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा माता का एक जो आइडल हो गया, मूर्ति हो गई, वो जाके मिली एक स्टोन स्लैब के नीचे, ठीक है। तो वहां पे जो जो इलाका हो गया, वहां पे जाके एक गुज्जर था, कहलू नाम के गुज्जर था, ठीक है ना। तो उसकी जो भेड़े बकरियां वगैरह हो गई है, तो क्या हो गया, उसके ऊपर जो लेपर्ड ने अटैक कर दिया। लेपर्ड ने जैसे अटैक कर दिया, तो जैसे ही वो जो गोट हो गई है वो उस पत्थर पे जाके जो स्टोन स्लैब हो गया उस पे जाके खड़ी हो जाती थी, जैसे ही उसने खड़ी हो जाना तो वो जो लेपर्ड है उसको अटैक नहीं कर पाता था, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो गई है, तो उसने वो भी जाके देखा कि, तो ये सारी जो जिक्र हो गया कहलू ने जाके, जो इस कहानी का जो जिक्र है वो बीरचंद को जाके बताया, ठीक है ना। तो बीरचंद को लग गया पता कि, उसने बीरचंद को बोला कि साहब ऐसे करके क्या चीज है, अदरवाइज तो अटैक नहीं कर पाता ये। लेकिन जैसे ही जो ये जो अदरवाइज तो अटैक करने के लिए दौड़ता ये, लेकिन जैसे ही जो जो गोट हो गई, मतलब कि जिस पीपल वो स्लैब पे जाके खड़ी हो जाती है, तो ये तो इसको अटैक ही नहीं कर पाता, तो ये इसका क्या रीजन होगा। तो इसका रीजन वो समझ गया, ठीक है ना, ही गॉट द सीक्रेट। तो उसको जैसे ही उसका पता चला, तो अब उसने क्या कर दिया, वहां पे जाके ही बिल्ट अ फोर्ट देयर, उसने एक फिल्ट वहां पे फोर्ट जाके बना दिया और उसको नाम दे दिया कोट कहलूर, ठीक है ना। क्लियर है चीज, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो कोट कहलूर किसके नाम पर, किसके नाम पर है, गुज्जर के नाम पर। गुज्जर कौन है, गुज्जर कहलूर हो गया। ऑलराइट एवरीवन, तो आपकी ये की वजह चीज हो गई है, तो दिस इज वन सच थिंग। अब इसके बाद जाकर आता है, दैट इज जो नेक्स्ट वी हैव इज राजा बीरचंद, ठीक है जी, राजा बीरचंद, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको इसके बारे में होप आपको यही है इसी की जो कहानी है, अब आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में स्टोरी जाके बताई हुई है, जो आपको बीरचंद के बारे में जो कहानी बता रहा था, ठीक है ना, कैसे कैसे करके नाम जाके पढ़ा, ठीक है। तो अब इसके बाद जाकर जो हमारे पास जो पहली जो चीज होगी दैट इज राजा बीरचंद के बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं। तो राजा बीरचंद के बारे में जाके बताया जाता है कि इसने 30 years तक, 30 साल तक इसने जो कोट कहलूर है, कहलूर की जो स्टेट होगी उसको जाके इसने रूल किया, ठीक है ना। और इसने आसपास के बहुत सारे इलाके थे उनको भी जाके इसने कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसने नैना देवी टेम्पल बनाया, ये आपका प्रिलिमिनरी के लिए पक्का पक्का क्वेश्चन हो गया, बिल्ट नैना देवी टेम्पल ऑन नैना देवी धार, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब देखो ऐसे तो न जाने कितने सारे यू विल फाइंड, और ये भी कहा जाता है कि काफी अपने जो बाउंड्रीज है काफी एक्सटेंड कर दी, ठीक है ना, यहाँ तक कि जैसे जो अब बिलासपुर के पास में डिस्ट्रिक्ट शिमला पड़ता, तो इसके काफी सारे एरियाज वगैरह जैसे हो गए, इधर मांगल वगैरह है, भज्जी है, महलोक वगैरह है, बघाट बघोटी वाले जो एरिया, सोलन वगैरह में जो एरियाज आते हैं, इसने वो वाले एरियाज कैप्चर कर दिए थे, ठीक है ना। तो ये इस तरह की कुछ कहानी बताई जाती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर सा ऐसा कुछ इसका वो नहीं है कि मैं आपको जाके इसमें और सारी चीजें जाके बता दूं, ठीक है ना। तो हाँ, इसने अपनी जो मजबूती, अपनी जो स्टेट को है मजबूती काफी दे दी थी। लेकिन इसके बाद के जो रूलर्स जो थे, ठीक है ना, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनकी कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं थी, तो हम इसके बारे में इतना कुछ बात जिक्र भी नहीं करेंगे। तो जैसे इसमें उदरान चंद है, ठीक है ना, जसकरण चंद है, ये मंद ब्रह्म है, ठीक है ना, मदन ब्रह्म हो गया, तो इंपॉर्टेंट नहीं, आलचंद हो गया, ये दीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री। तो देखो इतिहास में नाम उसी का छपेगा जो कुछ करेगा, तो दी आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, बस ऐसे नाम आ जाएगा, अदरवाइज इनके अलावा दो चार लाइन कभी भी कुछ इसमें जाके जिक्र में नहीं आएंगे। क्लियर है चीज। चलिए तो अब आता है नेक्स्ट, आता है कहलचंद। अब देखो ना, आप लोगों को हमेशा ऐसे लगता है कि सर इसमें जाकर डिस्कस करना है, ये सब चीजें करनी है कि नहीं करनी है, तो
मैं आपको इसमें ना एक चीज इसमें इसका इस आपको एक जिक्र बताता हूँ मैं कि जो राजा वगैरह आपको किस तरह जाके पढ़ने हैं। मैं राजाओं के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाके बताऊंगा। देखो याद तो करनी पड़ेगी, याद तो आपको लर्न तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ राजाओं के साथ इंपॉर्टेंट चीजें जो है बताऊंगा आपको, बस उन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। अदरवाइज तो बहुत सारे राजा हैं, लेकिन चलो मैं डिस्कस भी इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उनको जाके उनका जाके जिक्र करूंगा, लेकिन ऐसे ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है कि आप जाके इसको लगे याद करने लगे कि भाई एक एक राजा करके पढ़ने लगे और याद हुआ नहीं। हर राजा के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जाके लर्न करो, बस तब आपके लिए जो चीज है वो याद रहेंगी। तो अगला जो राजा हो गया वो है कहलचंद, ठीक है जी। जो कहलचंद जो है, ठीक है, जो कहलचंद जो है ये अब अगली इस पूरी लाइनेज में ये छठा राजा है, ठीक है ना। सिक्स्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि छठा है सातवां आठवां इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको सच सच बता दूंगा। तो उसके बारे में बताया जाता है कि भाई ही इज सेट टू हैव बिल्ड द कोट कहलूर, इसके बारे में ये वाली कहानी कही जाती है, ठीक है ना। तो कैसे कहल कैसे कोट कहलूर, तो जो फोर्ट हो गया वहां पे जाके वो किसने बनाया, कहलचंद ने, ठीक है जी। तो कहलचंद के थे चार बेटे, ठीक है ना। लेकिन कुछ कहानियां ये भी बताती है कि जो ये कोट कहलूर का जो महल है इट वॉज बिल्ट बाय राजा बीर चंद, ठीक है। तो ठीक है, ये नेवी का भी है, कुछ नहीं पता नहीं जी क्या बोल रहे हैं आप, ये नेवी की भी तो कुछ है जी, ठीक है। कोई मुझे ध्यान में नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हैं, श्याम सिंह जी, ठीक है। तो ही इज सेड टू हैव बिल्ट द फोर्ट ऑफ कोट कहलूर। और मैंने आपको दूसरा क्या कहा कि भाई इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो कोट कहलूर का जो फोर्ट है इट वॉज बिल्ट बाय राजा बीर चंद, ये वाली कहानी भी है एक। और इसके जो थे चार बेटे थे, ठीक है ना, ही हैड फोर सन्स, अजीत है, अजय है, तेग है, सुचेत है, चार बेटे हो गए, ठीक है जी। तो ये हो गया कहलचंद के कितने बेटे, चार है। तो इन लोगों ने भी नेबरिंग स्टेट्स पे जाकर अटैक किया, आसपास के इलाकों पर अटैक करना शुरू कर दिया, और वहां पे जाकर इन लोगों ने अपना ही गढ़ बनाना शुरू कर दिया। और उनमें से जो जो मोस्ट सक्सेसफुल रहा, ठीक है ना, दैट इज अजीत, ठीक है ना, अजीत चंद, ठीक है। तो जो अजीत चंद हो गया है ये एक्चुअली में जाकर ही वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदूर, हिंदूर किसको बोलते हैं, नालागढ़ को जाकर, बात समझ आ गई चीज ये, ठीक है ना। तो अजीत चंद फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर, हिंदूर इलाका है जिसको बाद में जाके नालागढ़ नाम पर क्या, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह करके कहानियां देखो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो नालागढ़ की जो यानी कि जो हिंदूर की जो फैमिली हो गई है, ठीक है ना, जो रूलिंग फैमिली जो थी वहां पर, तो यहाँ पे देवर द डिसेंडेंट्स ऑफ सुचेत चंद, जो इसमें एक भाई है सुचेत, इसके बारे में जिक्र इसका किया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि भाई वो आगे सुचेत की, क्योंकि यहाँ पे सुचेत को राजा बनाया इसने अजीत चंद ने, बात समझ आई मैंने क्या बोला। एक कहानी कहती है कि इट वॉज फाउंडेड, नालागढ़ वॉज फाउंडेड बाय अजीत चंद, ठीक है ना। फिर ये कहा जाता है कि लेकिन जो फैमिली की जो लाइनेज वहां पर है दैट बिलोंग्स टू सुचेत, ठीक है ना। सुचेत कौन है, अजीत का भाई है, कि अजीत ने क्या कर दिया, सुचेत को वहां का राजा बना दिया। कहाँ का राजा बना दिया, नालागढ़ का राजा बना दिया, नालागढ़ हिंदूर का राजा बना दिया, नालागढ़ हिंदूर एक ही नाम है, हिंदूर पुराना नाम है, नालागढ़ बाद का नाम है, ठीक है ना। तो उसके बाद जाकर जो है वहां पे अलग से जो है एक जो वहां पर जो डायनेस्टी है वो कंटिन्यू रही अलग अलग लोगों के थ्रू। हम इसकी बात बाद में करेंगे, हिंदूर के पास हम बाद में जाकर इसका जिक्र करेंगे, ठीक है जी। तो एक ही वाली चीज होगी इसमें। अब इसके बाद जाकर जो है जो यहाँ पे जो अगला जो रूलर आता है दैट इज राजा संगार चंद, ठीक है ना, राजा संगार चंद। देखो आपने यहाँ पे ना पूछा कि सर कोट कैलूर में बीरचंद का नेम आएगा या फिर राजा कहलचंद आएगा, देखो बीरचंद का लिख देना, लेकिन मैंने तो आपको दोनों चीजें बताई हुई है, क्योंकि बुक्स में देखो जनरली क्या है कि ऐसे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होते हैं तो वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अब मैंने आपको दोनों बातें बता दी, मैंने तो अपनी स्टेटमेंट ही खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर दी ना, लेकिन ये तो चीज है, ये तो आपकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, तो मेरे को दोनों चीजें बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है।
ठीक है ना, ताकि आपको खुद कन्फ्यूजन ना हो, फिर आप बोलोगे कहीं सर हमने कहीं और जाके कुछ और पढ़ा, कहीं यहाँ जाके कुछ और पढ़ा हुआ। तो मैंने आपको जो मिष्टी मिष्टी वशिष्ठ जी, तो मैंने आपको दोनों चीज इसमें जाके बता दी है, ठीक है जी। तो एक ही हो गया, राजा संगार चंद के बारे में बात करते, तो राजा संगार चंद जो है, ठीक है ना, ये आपका आता है, ये राजा बन के आया कब, ये 1197 के आसपास ये राजा बन गया ये, ठीक है ना, और ये राजा रहा 1220 तक, ठीक है। तो ये है, तो ये क्या बोलते हैं, अलग अलग करके, अब इनके अलग अलग एरियाज हो गए, अलग अलग करके एरियाज हो गए। इसके 7 बेटे थे, ठीक है ना, इसके 7 बेटे थे, तो वो अलग 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 तरफ चले गए। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, अपनी जो रूलिंग फैमिली हो गई है, तो इन लोगों ने अलग अलग जगह जाकर इसको एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है जी। तो जैसे कुछ इसके इसकी इसकी जो इसके जो बच्चों ने जाके, ही हैड 7 सन्स, ठीक है ना, तो उनकी अलग अलग फैमिली जाके इस्टेब्लिश हुई, ठीक है ना, जैसे दरोल है, ठीक है ना, झंडवाल है, संगवाल है, ठीक है, घाल है, नंगलू है, मेघारी है और धोकली है, धोकली, ठीक है ना, 3 3 6 और 1 7। तो देवर 7 डिफरेंट राजपूत फैमिलीज, ठीक है जी। तो ये हो गया संगारचंद के टाइम की कहानी। ओके एवरीवन, तो फिलहाल आज के लिए हम एक चलो दो दो एक दो रूल और पढ़ लेंगे हम यहाँ पे जाकर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वी हैव इज ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव इज मेघचंद। मैं आपके क्वेश्चंस भी देख रहा था, किसने क्या क्या पूछा, मेघचंद, मेघचंद। अब जो मेघचंद है ये बना, देखो एग्जैक्टली कोई टाइमलाइन नहीं है कि संगार के बाद कौन आया, कुछ ऐसे करके, जो जो टाइमलाइन जहां जहां पे अवेलेबल है मैं आपको उनके उस तरीके से जाके बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 1264 के आसपास में, 1295 तक, ये मेघचंद हो गया, ठीक है। अब जो मेघचंद है ये, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ संगारचंद, एल्डेस्ट सन ऑफ संगारचंद, ठीक है ना, जिसको जाके गद्दी मिल गई थी, ठीक है। लेकिन ये बड़ा ही वॉज वेरी हार्श, मेघ ऐसा नाम है ना, मेघ, बादल, काले बादल, ठीक है ना, ही वॉज टायरेनिकल। लेकिन अब लोग इसके खिलाफ हो गए, ठीक है ना, ही वॉज टायरेनिकल। तो अब लोगों ने इसके लोग इसके उसके इसके खिलाफ हो गए, ठीक है, लोग खिलाफ हो गए, तो लोग खिलाफ ऐसे हो गए कि इसको जाके स्टेट छोड़ना पड़ा, ठीक है ना, ही लेफ्ट द स्टेट लोगों के फोर्स करने पर, ठीक है, ठीक है ना। इट मे बी नॉट संसार चंद, इट इज संगार चंद ओनली, ठीक है। तो ही लेफ्ट द स्टेट, और इसने जाके फिर असाइलम कहाँ पे लिया, कुल्लू में जाकर। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, क्लियर है चीज, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पे जाके ये हो जाता है, क्लियर। और फिर इसने क्या किया, फिर दिल्ली का जो सुल्तान था, ठीक है, नाउ ही केम बैक विद द हेल्प ऑफ अल्तुतमिश, ठीक है ना, अल्तुतमिश, शमशुद्दीन अल्तुतमिश, उसकी मदद से जाकर ही केम बैक और अपनी राजगद्दी पे जाके बैठ गया, ठीक है ना, और अपना जो किंगडम है, ही गेन्ड हिज किंगडम ऑल बिकॉज ऑफ शमशुद्दीन अल्तुतमिश। तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि जो राजा मेघचंद है, राजा मेघचंद को किस सुल्तान ने हेल्प किया था टू रिगेन हिज किंगडम, तो वह शमशुद्दीन अल्तुतमिश। क्वेश्चन आएगा कि ये अपना असाइलम कहाँ पे लिया था मेघचंद ने, वो है कुल्लू, ठीक है जी।
ऐसे ऐसे करके आपके जो क्वेश्चंस है वो पक्के पक्के होते जाएंगे. ऑलराइट, लेकिन इसके बाद भी और भी रूलर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. इनके बारे में कुछ ऐसी चीजें इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे राजा बड़े सारे पढ़ने के लिए, लेकिन नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. चलिए तो आज का एक हम इसमें एक लास्ट जो आखिरी राजा है वो पढ़ लेते हैं. ठीक है, आखिरी जो रूलर हो गया दैट इज राजा अभिसंध. राजा अभिसंध, ठीक है ना, अभिसंध चंद. तो ये जो राजा अभिसंध चंद जो है, जब ये राजगद्दी पर जाकर आया, ठीक है ना, जब ये इसकी एक्चुअली में जो टाइमिंग इसकी बताई जाती है दैट इज 1350 से लेकर 1375 तक, ठीक है ना, तो उस वक्त में सिकंदर लोदी का टाइम चल रहा है. ठीक है ना, दिल्ली में जाकर जो है उस वक्त में सिकंदर लोदी का टाइम चल रहा है. ऑलराइट, तो इस तरह कहानी है. ठीक है, बस इसकी ये वाली कहानी है. बाकी थोड़ा सा इसको जाकर रिलेट कर दिया जाता है कि भाई इसने जाकर जो है जो टाटर खान था, ठीक है ना, उसके खिलाफ जाके इसने जाके जंग लड़ी थी, ठीक है ना, उसको जाके हराया भी था, क्योंकि जो टाटर खान जो है, ठीक है ना, ये क्या बोलते बाद में जाकर, ठीक है ना, उसको क्या बोलते उसका जो बेटा था इसका टाटर खान का ना, ठीक है ना, उन लोगों ने जाके उसको मार दिया था. क्लियर है चीज, ठीक है ना. तो राजा अभिसंध की जो कहानी है बस ये वाली चीज होगी. मैं इसलिए देता हूँ, किल्ड बाय द सन ऑफ टाटर खान. तो जो दो दो तीन तीन लाइनें आपको मैं इसमें राजाओं के बारे में जिक्र करता जाऊंगा, तो आपको वही चीजें जाके पढ़नी है. इसमें यू विल नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स टू रीड. और अब इसमें बड़े सारे राजा है पढ़ने के लिए, ठीक है, राजा रतन चंद है, इसके बाद नरेंद्र चंद है. तो जो थोड़े बहुत जो रूलर्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं आपको साथ साथ उनके बारे में जिक्र करता जाऊंगा. ठीक है जी, तो महान चंद है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, हमने उसके बारे में बहुत अच्छे से जाके डिस्कस करना है. क्लियर, तो फिलहाल के लिए आप लोग मुझे यहीं तक इजाजत दें, क्योंकि मैं इसके आगे जाऊंगा तो बात तो वही पड़ेगी, लेकिन इसके बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स है उसके बारे में जाके वापस मैं कल से फिर जिक्र करूंगा इसका. तो होप, ये थोड़ा सा बीच में नेटवर्क इशू हो गया था तो प्लीज उसके लिए सॉरी, और आपको जो क्लास है वो ठीक लगी हो. ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट है ना तो प्लीज आप इधर ना पूछ के ना, अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपको इसमें कोई इशू डाउट वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, तो आप प्लीज आप ना मुझे ही को जाके कॉल कर सकते हैं. ठीक है ना, 708-709-5050 ये मेरा नंबर है. ठीक है ना, तो कुछ भी आपको इशू रहेगा तो मुझे से इसके रिगार्डिंग कुछ भी चीजें पूछनी है तो आप फ्रीली आप मुझे जाके कॉल कर सकते हैं. ठीक है ना, तो दिस इज माय नंबर. ऑल राइट एवरीवन, और प्लीज इसमें ना जो आपका जो चैट हो गया है, जो ये लाइव चैट होती है, तो लाइव चैट में आप कुछ भी चीज ऐसी ना लिखें जहां पे जाकर आप कुछ पॉलिटिकल पूछ रहे, कुछ और पूछ रहे हैं. ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल हम इतना करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन.